Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to start the topic Common Factors and Multiples of Chapter 2 Playing with Numbers. Okay, so those factors or multiples which are common among the factors or multiples of two or more numbers are known as common factor or multiples. Consider two numbers 12 and 18, यानी कि वो numbers जो किन्हीं भी दो नंबर के फैक्टर्स में कॉमन आए या मल्टीपल्स में कॉमन आए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम ले रहे हैं 12 और 18 का। सो द फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, यानी कि 12 किस किस टेबल में आता है वो सारे नंबर्स हमें यहाँ राइट करने हैं। देन द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। यहाँ पे 18 किस किस टेबल में आता है वो नंबर साइड कर लिए हैं। सो क्लियरली 1, 2, 3 एंड 6 ठीक है आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, बिकॉज ये दोनों के ही फैक्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। 15 एंड 25 के फैक्टर्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं, कौन से वाले कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5 एंड 15। उसके बाद द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25। तो यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 15 एंड 25 इक्वल्स टू 1 एंड 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 और 5 ही है जो दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, 35 और 50 के लिए भी कॉमन फैक्टर्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे आपको राइट करना है फैक्टर्स ऑफ 35 आर, क्या जाएगा 1, 5, 7 एंड 35। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 50 आर इक्वल्स टू में 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 इज इक्वल्स टू 1 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे 1 और 5 ही कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। ठीक है, उसके बाद 20 एंड 28। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट कर लेना है फैक्टर्स ऑफ 20, तो ये जाएंगे आपके 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल्स टू 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ठीक है, नाउ राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इक्वल्स टू कौन कौन से हैं, 1, 2, 4। ठीक है, सो 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। क्वेश्चन नंबर 2 इज
फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, द फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल्स टू 1 एंड 5, उसके बाद द फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 15, उसके बाद द फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल्स टू 1, 5 एंड 25। ठीक है, अब इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। फाइव, 15 एंड 25 इक्वल्स टू 1 एंड 5। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 2, 6 एंड 8 के। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट कीजिए आप फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, 2, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 6। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 1, 2, 4 एंड 8। नाउ कॉमन फैक्टर्स, ऑफ 2, 6 एंड 8 इक्वल्स टू 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें राइट करना है मल्टीपल्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 डॉट डॉट डॉट। यानी कि अभी यहाँ पे हम और भी आगे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, सॉरी मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स जो है हमें 3 चाहिए वो मिल गए हैं क्या। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 24, 48। अभी हमें दो ही कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं इसलिए हमें इसको और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 54 के बाद 60, 66, 72 डॉट डॉट डॉट, और इसको भी आगे राइट कर लेते हैं 64 एंड 72। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला भी हमें मिल गया है। तो यहाँ पे अब राइट करेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 इक्वल्स टू 24, 48 एंड 72। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। सो 12 के फैक्टर्स मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं हम मल्टीपल्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। अभी अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी मल्टीपल्स को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आप मल्टीपल्स ऑफ
18 equals to 18, 36, 54, 72, 90 एंड डॉट डॉट डॉट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड हो चुके हैं 36 एंड 72। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 36 एंड 72। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 16। एक नंबर है जो 7 और 16 दोनों से डिविजिबल है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो कौन सा नंबर है जिससे वाला नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए, एक नंबर जो 7 और 16 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मींस जो 7 और 16 है इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 16 ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 1 एंड 7, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल्स टू 1 2 4 8 एंड 16। ना कॉमन फैक्टर्स राइट कर लेते हैं इनके, सेवन एंड 16 इक्वल्स टू 1। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 निकला है, तो जो नंबर 7 और 16 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 ओनली। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24। एक नंबर है जो 24 से डिवाइड हो रहा है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एक नंबर जो 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो यानी कि जितने भी 24 के फैक्टर्स होंगे उन सब से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे द फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल्स टू 1 2 3 8 12 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो ही रहा है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 2 3 8 एंड 12। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।